खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां एमकेएन की खबर का असर हुआ है। दरअसल शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के सुंदा बंजारी गांव में भीषण जल तबाही के बाद विस्थापित असहाय बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। वहीं प्रशासन की बेपरवाह उदासीनता की खबर को ग्राउंड जीरो से पुरजोर तरीके से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए प्रभारी तहसीलदार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया था। वहीं अब तहसील में नए तहसीलदार की नियुक्ति के बाद देखना होगा कि वह बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। रामकली आप कहाँ की रहने वाली? सूरा की। सूरा की रहने वाली है। तो अभी आपको ये मंडी में रखा है? हाँ। कब से रखा गया है ये मंडी? जी बरसात भाई से जी सब भाग गया है, दस दिन सब भाग गया है, हम भाग गया, कुछ नहीं बचा हजीरे। तुम्हारी जमीन भी तबाह हो गई? बिल्कुल, जो नहीं यहाँ से आपको गाँव वापस जाने के लिए बोला जा रहा है? कौन के द्वारा बोला जा रहा है? तो वही आए थे ना खाद्यान्न बांटने के लिए, उन्हीं ने बोला। कौन कौन के द्वारा बोला? तहसीलदार ने आपसे बोला कि यहाँ से जगह खाली कर दो, तो आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? अब हम कहाँ चले जाओ, हम कुछ गए नहीं बचो। गांव में तो आपका मकान तो गिर चुका है? सब गिर गए, मकान गिर गए, जमीन चली गई, मकान को हम बना लेते कच्ची पच्ची मरण जैसे तैसे, पर हम करवे खावे को हिले नहीं, हम कहाँ चले जावे। हम बात करें कि बाढ़ पीड़ित और लाचार मजबूर लोगों की स्थिति यह है कि यहाँ से इनको प्रशासन द्वारा भी भगाया जा रहा है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये अपना सामान बांधकर कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश साहब, जो सामान बांध के कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। क्यों, यहाँ प्रशासन ने आपकी सारी व्यवस्थाएं कराई है, उसके बाद आप यहाँ से सामान बांध के क्यों जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको खाने की व्यवस्था तो यहाँ हुई है ना? खाना की व्यवस्था हुई है, अभी एक टाइम। और दूसरा, आपको रहने के लिए यहाँ कोई गद्दे या कोई टेंट वगैरह की कोई व्यवस्था ऐसी की है प्रशासन द्वारा? ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो आप अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अपने घर जा रहे हैं, सूंडर। अच्छा, सूंडर जा रहे हैं। तो सूंडर में तो आपका मकान गिर चुका है, तो आप उस मकान में कैसे रहेंगे? वहाँ लाइट भी नहीं है सर, नीचे रह लेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इनको डर है कि जिसकी वजह से इनको यहाँ से भी अपने गाँव वापस भगाया जा रहा है, जबकि गाँव में इनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और वहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि डीपी में पानी भर चुका है और फॉल्ट भी इतना हो चुका है कि वहाँ पानी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में इनका रहना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े ही संकट में है ये लोग। कैमरामैन शाकिर के साथ रशीद खान, एमकेएन नरवर। तो आपको बता दें कि एमकेएन की खबर के चलते यहां पर असर देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर तहसीलदार को भी हटा दिया गया है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रशीद खान हमारे साथ जुड़ गए। रशीद, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है खबर के असर के अनुसार? जी, आपको मैं बता दूं कि नरवर तहसील की सूरा बंजारी में जल त्रासदी पीड़ितों की जमीन दुर्दशा को एमकेएन चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया जी, जो कि ग्राउंड जीरो पर जाके दिखाया गया था, जिसमें गैर जिम्मेदार रवैये के चलते प्रभारी तहसीलदार को नरवर तहसील से तहसीलदार के पद पर से हटा दिया गया है और उनकी जगह मनीष शर्मा को पद सौंपा गया है जी। क्या लगता है कि क्या अब कार्रवाई होगी और जिस तरीके से वहां पर तमाम जो ग्रामीण परेशान हैं उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है, मजबूरी कुछ इस कदर आ गई है, क्या कुछ कार्रवाई होगी और उनको न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने खुद आप भी थी हमको सुनाई थी जो बाढ़ से पीड़ित थे बिल्कुल, और इसी को लेकर जो तहसीलदार के पद पर थी उनको हटा दिया गया है, जो कि नायब तहसीलदार थी। अब मनीष शर्मा जो कि वहाँ के नायब जो तहसीलदार होंगे जी। जी रशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि एमकेएन न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां शिवपुरी में तमाम लोग परेशान थे तो उसी के चलते वहां से तहसीलदार को हटा दिया गया है, नई नियुक्ति हो गई है और आशा यही ग्रामीण करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से नए पद पर पदस्थ हुए हैं जो भी अधिकारी, वो कार्रवाई करें और ग्रामीणों को उससे लाभ मिले।